स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 की यूनिट 4th। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो या किसी भी वीडियो के नोट्स या PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपने एक एक्ट पढ़ा होगा या फिर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वाली यूनिट है उसमें आपका 1919 एंड 1935 के कुछ एक्ट हैं। तो साइमन कमीशन को पढ़ने से पहले एक बार 1919 का जो एक्ट है उसको देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा साइमन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे 1919 के एक्ट से कनेक्टेड है। देखो 1919 में क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था और उस अधिनियम में ये कहा गया था कि आज से लगभग 10 साल बाद या पूरे 10 वर्ष बाद ये जो 1919 का अधिनियम है ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किस आधार तक कर पाया है या नहीं कर पाया है, मतलब इसकी सफलता और असफलता की एक तरीके से जांच की जाएगी 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखो 1919 में भारत शासन अधिनियम में ये चीज़ कही गई थी कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये तय करेगा कि जो अधिनियम हमारा 1919 का है वो कितना सफल रहा। तो ब्रिटेन की सरकार ने इस अधिनियम के जांच के लिए जो समिति बनाई उसका गठन वैसे तो उनको 1929 में करना था, बस लेकिन इसका जो गठन है वो 1927 में ही हो जाता है। ये आगे चल के एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से साइमन का जो है वो इंडिया में विरोध किया जाता है। ठीक है, अब मेन आपसे पूछा जाता है कि जो ये कमेटी बनी थी या जो ये साइमन कमीशन है इसके मेंबर्स कौन कौन थे। ठीक है, तो देखिए जो सर जॉन साइमन हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, उसके अलावा इसमें हटिसन, स्ट्रैथकोना, एटली, बर्नहम, लैनफॉक्स और कैडोगन, ये कुछ मेंबर्स हैं जिनके नाम जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में MCQs होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में आप इनमें से कुछ नाम को स्किप कर सकते हैं, मेन आपको जॉन साइमन याद रखना है और इतने याद रखना है। बाकी इसमें जॉन साइमन के अलावा 6 मेंबर्स थे जिनमें से कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, ये दूसरा रीज़न है साइमन कमीशन के विरोध का। अब देखिए जब 1927 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है तो बहुत बड़े लेवल पे इसका विरोध किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है साइमन कमीशन के विरोध के क्या कारण थे। तो पहला कारण है हमारे पास कि कमीशन का जो गठन है वो 2 साल पहले ही कर दिया जाता है। ठीक है, 10 साल के कार्यों की समीक्षा करनी थी लेकिन अभी 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले ही बहुत जल्दबाजी में ब्रिटेन सरकार ने साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। तो ये पहला और मुख्य रीज़न था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। दूसरा रीज़न हमारे पास आता है कि भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। देखिए जब कोई भी कमेटी बनती है, अब अगर वो इंडिया के रूल्स को, इंडिया के रेगुलेशंस को इंस्पेक्ट करने के लिए बन रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति भी भारतीय होना चाहिए था, लेकिन इस समिति में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, 1927 में मद्रास में कांग्रेस का जो एक वार्षिक अधिवेशन हुआ वहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध को खुल के जाहिर किया गया और ये चीज़ फिर ब्रिटिश सरकार तक भी पहुँचाई जाती है, क्योंकि देखिए छोटे लेवल पर या फिर मान लीजिए छोटा मोटा आंदोलन या विरोध होता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है। तो इस वजह से 1927 में जो कांग्रेस सेशन हुआ उसका मुख्य मुद्दा साइमन कमीशन ही बने। ठीक है, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है तो इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध होता है और अखिल भारतीय जो है वो अखिल भारतीय समिति वो हड़ताल पर चली जाती है। साइमन को काले झंडे दिखाए जाते हैं, साइमन वापस जाओ या गो साइमन बैक, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी से पीट पीट कर मृत्यु कर दी जाती है। मतलब जिस वक्त भारतीय जनता या भारतीय जो नेता हैं वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो जो ब्रिटिश सरकार है वो फिर से उन पर कुछ कठोर नीतियाँ लागू करती है, फिर कठोर नीतियों से उनका सामना करती है। कुछ हाथापाई पुलिस और नेताओं के बीच में होती है जिसमें जो लाला लाजपत राय हैं उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 1928 और 29 के बीच में इस कमीशन ने भारत में 2 बार यात्रा की। ठीक है, पहली यात्रा 1927 से लेकर 29 के बीच में रही, दूसरी यात्रा 1930 में रही। ठीक है, जिस टाइम इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंपा। अब आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या एक तरीके से सुझाव उन्होंने मेंशन किए थे। तो साइमन कमीशन का प्रतिवेदन एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर थी। तो पहली चीज़ तो देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको यहाँ पे ख़त्म करने की बात की गई थी। इसके अलावा भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए, इस तरीके का प्रावधान साइमन कमीशन ने दिया था, सुझाव दिया था। इसके अलावा केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से ब्रिटिश शासन के हक में इस रिपोर्ट को रखा गया।
उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर देना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ थी यहाँ पे। इसके अलावा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उड़ीसा और सिंध को अलग अलग प्रदेश होकर दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। तो विभाजन के कुछ सुझाव भी इन्होंने यहाँ पर दिए थे। इसके अलावा जो हमारी प्रांतीय विधानमंडल है उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए और 10 वर्ष बाद पुनर्निरीक्षण के लिए संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब अभी तक देखिए पॉलिसी इस तरीके से चल रही थी कि इंडिया के लिए ब्रिटिश सरकार अगर कोई भी एक्ट बनाती है तो फिर कुछ वर्षों बाद, या मतलब मोस्टली सब में ये था कि 10 वर्ष बाद पुनर्निरीक्षण के लिए फिर एक आयोग या एक समिति अलग से बनाई जाती थी। तो साइमन कमीशन ने इस बात को रखा कि आप ये चीज़ बंद करें कि कोई भी आयोग या कोई भी एक्ट आप लाते हैं उसके बाद में फिर उसके निरीक्षण के लिए 10 वर्ष बाद एक समिति बनेगी, आप उस चीज़ को ख़त्म करें और आप इसके बजाय क्या करें कि ऐसे संविधान का निर्माण करें जो स्वयं विकसित हो, या जिसमें जैसे आज के टाइम पे है कि अमेंडमेंट की कुछ प्रोसेस आपके पास होती है, अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि एक लचीला संविधान रखिए जो खुद को खुद ही विकसित कर सके, हमें अलग से कोई पुनर्निरीक्षण समिति बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इस यूनिट में हमारा अगला टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो कि जस्ट साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद में ही सौंपी गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन के टाइम पे क्या था, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को एक तरीके से चुनौती दी कि मतलब अगर आप कर सकते हैं तो आप इस तरीके का संविधान या सुझाव हमें प्रस्तुत कीजिए कि फिर ब्रिटिश सरकार को बार बार आपके जो भारतीय कानून अधिनियम है या भारतीय शासन अधिनियम है इनमें बदलाव करने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही कोई समिति बनाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो उसी के तहत 1928 में भारत सचिव ब्रेकनहेड और भारतीय दलों को चुनौती जो दी गई थी उसको स्वीकार करते हुए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट को डिटेल में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।